अस्सलाम वालेकुम। आज हम छोटे बच्चे का कोट कटिंग करने जा रहे हैं और इसमें बिना अस्तर का कोट रहेगी। छोटा बच्चा है, इसके बस इसमें अस्तर नहीं डालेंगे, बाकी सब सेम रहेगी। तो ये हमने ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको ऐसे डबल कर लेंगे। सबसे पहले बैक को कट करेंगे। 17.5 इंच इसका लेंथ है, 22 इंच चेस्ट है और 21 इंच बेस्ट है और 22 इंच हिप है। इसके हिसाब से हम कट करेंगे। 11 इंच इसका कंधी है। तो पहले हम देख लेंगे 22 इंच का इसका चौथा हिस्सा आएगी 5.5 इंच, तो इतना जगह में आ जाएगी। तो हम नीचे एक मार्क लगा लेंगे, कम से कम 1.25 इंच का मार्क लगा लेंगे। ये देखिए 17.5 पे मार्क लगाएंगे, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे बैक पल्ला को। और यहाँ से 5 इंच रखेंगे और यहाँ पे भी 5 इंच रखेंगे, यानी 10 इंच रखेंगे बेस्ट का। अब सीधा मार्क लगा लेंगे। एक इंच का सीधा मार्क लगा लिया हमें। अब यहाँ से हल्का शेप देंगे बैक में, क्योंकि ये पल्ला को हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अस्तर नहीं डाल रहे हैं, बिना अस्तर का बना रहे हैं। यहाँ पे 1.25 इंच बैक का गोलाई रहेगी। 11 इंच इसका शोल्डर है, तो हम 12 इंच पे कट करेंगे। यहाँ पे चेस्ट है, यानी 22 इंच चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 5.5 रहेगी। यहाँ पे 5.25 रहेगी और यहाँ पे 5.5 रहेगी। अब यहाँ से यहाँ तक हम मार्क लगाएंगे। और यहाँ से हम ऐसे इसको इतना क्रॉस कर, यहाँ से इतना तक कट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी अच्छे से गोलाई कर लेंगे बैक करने के लिए। अब इसको बैक को हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट पल्ला कट करेंगे। सारे 17 इंची लेंथ है, तो हम 18 इंच पे इसको कट करेंगे। 0.5 इंची यहाँ पे मार्जिन जाएगी। नहीं तो हम इसको बैठा के हम इसका मार्क उठा सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच बात कर देंगे और यहाँ पे 2.25 इंच का ब्रेस पल्टी करेंगे। चेस्ट है 22 इंची, 22 का चौथा हिस्सा 5 इंच आती है, 5.5 इंच। यहाँ पे 5.5 इंच आएगी, यहाँ पे 5.5 इंच आएगी। और इसमें लूजिंग कम से कम
हम इसमें रखेंगे 3 इंच यहाँ पे लूजिंग। तीन इंची लूजिंग रख लिए। अब उसके बाद यहाँ से कंधे नापेंगे। और यहाँ से हम क्रॉस कर लेंगे, हमने जो मार्क लगाया चेस्ट का उसके हिसाब से हम क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉलर के लिए 1/4 इंच गिराएंगे, छोटे बच्चे का है, और यहाँ पे 2 इंच। यहाँ से 10.5 इंच पे, नहीं तो हम इसको बेस्ट से भी इसको हम ले सकते हैं, यानी 1 बटन या 2 बटन डाल सकते हैं इसमें, छोटा बच्चा 1 बटन भी डाल सकते हैं। तो हम 11 इंच पे ब्रेस को यहाँ से सीधा मार्क लगाएंगे। यहाँ से आर्मोल का गुलाई कर लेंगे पहले हम। आधा इंच वॉलेट पे गिर देंगे, यहाँ ऊपर थोड़ा उठा लेंगे। और यहाँ से एक मार्क लेंगे, ये जो मार्क लगाया बेस्ट का, यहाँ से हम ऐसे एक मार्क लेंगे। यहाँ पे 1 इंच, ये गोलाई से 1 इंच यहाँ पे ऐसे मार्क लगाएंगे। हम इसको कट नहीं करेंगे, खाली हम स्टिचिंग मारेंगे। यहाँ से सीधा ले लेंगे, खाली एक सिलाई मार के छोड़ देंगे। यहाँ पर का जो डांट है ना, वो डांट नहीं मारेंगे। नीचे से 6 इंच पे मार्क लगाएंगे इसका तिहाई पे, और या उससे कम भी कर सकते हैं। लेंथ का तिहाई पे पैकेट पे मार्क लगा सकते हैं, नहीं तो उससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम 2.5 इंच इतना मार्जिन रखेंगे कि कभी भी अगर टाइट हो जाए तो ढीला करने के लिए बन जाएगी। अब इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम शेप देना भूल गए, यहाँ पे हल्का शेप रहेगी। यहाँ पे 1.5 इंच क्रॉस करेंगे। यहाँ से हम गोलाई कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे।
चाहे तो आप इसमें डांट भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा है, इसके वजह से डांट नहीं लगाएं, इसमें अस्तर भी नहीं रहेगी, तो इस तरह पलटी आ जाएगी। इसका अब आस्तीन काटेंगे, बड़े कोट में कैसा आस्तीन रहता उस तरह नहीं कट करेंगे, लेकिन सेम उसी तरह बनेगी। आस्तीन का लेंथ है 13 इंच, तो हम सारे 13 इंच पर रखेंगे, सारे 7 इंच मोरी रहेगी, 5 इंची आर्मोल रहेगी। यहाँ से 3.5 इंच पे हम इसको आर्मोल का गोलाई करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच देंगे। अब यहाँ से हम गोलाई करेंगे, ये 1.5 इंच हम जो कपड़ा दिए यहाँ से हम गोलाई करेंगे। ये देखिए ऐसा रहेगा, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा राउंडिंग रहेगा, तो सेम कोट के यहाँ से ऐसे लग जाएगी इस तरह। ऐसा दिखेगी कि कोट कोट का जो आस्तीन कटती है तो सेम इसी तरह कटती है, उसमें ज्वाइंट रहती है तो आसानी रहती है बनाना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।